में आप लोगों का स्वागत है। तो देख लीजिए हमारे तीन कवि हैं, अभी हम चालू करने चल रहे हैं। चालू करवा सुनाने से पहले आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहते हैं कि आसमां में उड़ती चिड़ैया जमीन पे रहते इनके जैसे पशु। सुन लीजिए कि आसमां में उड़ती चिड़ैया जमीन पे रहते इनके जैसे पशु, कि वृक्षों में जीवन इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु जी ने। रहने दीजिए, आप लोगों के समझे में नहीं आया होगा। चलिए हम अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। गुप्ता जी, हम गुप्ता जी को बुलाना चाहते हैं। गुप्ता जी मोबाइल दे दीजिए, आपके हाथ से कहीं छूट नहीं जाएगा। चल, हम मोबाइल देख रहे हैं। चलिए कवि कहिए। मेरे रस के कमर फाड़ो, धरती फाड़ो दी, जमीन आसमान निकल गया। वाह 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 वाह, क्या कवि कहिए। वाह 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 वाह, की कमर, ये तुम्हारा है। गंदी राइटिंग है लेकिन बहुत अच्छा है लिखा। तो क्या चलाओ चारे पपीट गाना सुना रहे हैं। गुप्ता जी पगला वगला गए हैं क्या? कुछ तड़कता भड़कता सुनाइए। लो भाई, फिर तड़कता भड़कता। आज पत्नी से लड़ाई हो गई। तुम्हारा है पत्नी से सुबह सुबह लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई? हाँ सही में। भाभी से लड़ाई हो गई? हाँ सही में। हाँ, आप दो मारे हो गए, चार दुपाए हो गए। घर का हाल बता रहे, कविता सुनाने आए। कवि सम्मेलन में कविता सुनाना जाता है ना, घर का हाल नहीं सुनाओ। सुनाओ गुप्ता जी, भांग वांग खा के आए हैं क्या? कविता सम्मेलन की गर्मियां गिरा रहे हैं क्या? सुना रहे हैं आप? नहीं तो, ये घर का हाल चाल बता रहे हैं क्या? अरे यार कुछ अपना सुनाओ यार, तड़कता भड़कता। लो पहिर पैजामा। अरे आप कक्षा दो की कविता सुना रहे हैं यार, कुछ भोजपुरी गाना सुनाइए। आप भोजपुरी सुनाइए। हटाओ यार, कॉपी गाना सुना रहे हैं, भोजपुरी सुना रहे हैं, कवि सम्मेलन का गरिमा गिरा रहे हैं। हटाओ यार इनको, हटाओ। गरमाइए मत, हम इनको भेज रहे हैं। गुप्ता जी आप जाके बैठ जाइए, अपनी सीट को ग्रहण कीजिए। आपको एक बार फिर से कष्ट हुआ? इतनी देर से कष्ट ही तो कष्ट हो रहा है, अगर हम आ गए तो कष्ट और तगड़ा होगा। हटाओ यार इनको, चलो। वाली बज ही नहीं रे, कविता में क्या मजा है। तो चलिए, इतनी देर से आपको कष्ट हो रहा है, फिर से एक बार कष्ट हुआ। मैं अगले कविता कवि को बुलाने से पहले एक शायरी आप लोगों को सुनाता हूँ। गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर, पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। चलो हम बुलाते हैं चप्पल लाल अग्नोत्री जी, आपका स्वागत है। पग नहीं करूंगा सीधे, कप्ता पे आता हूँ, कार पे बैठा हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ। ऐसा पहला कभी देखा? वाह, प्रणाम महाराज, प्रणाम। हमने कहा पापा से बैट ला दो हमारे लिए, मुन्नी बदनाम होई, डार्लिंग तेरे लिए। क्या कविता कही। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। तोर पैंट फाटल है।